हस्ती मिटाने को आज वही हाथ जोड़ कर करते तुझे प्रणाम है, और तेरे हाथों से दूर दूर तक की कलम, तेरे हाथों से कभी कल तक, तेरे हाथों से दूर दूर तक की कलम आज इसी मुल्क की तेरे हाथों में कमान है। तो याद है तुझे वो वादा बाबा साहब का, जिसके कारण आज तेरी पहचान है, तो हमारी पहचान किसके कारण हुई है? बाबा साहब के कारण। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। बाबा साहब ने हमें यहां तक पहुंचाने का कार्य किया है, इसलिए बाबा साहब को जितने भी हम गुणगान गाते हैं उनकी, है ना, तो भी हमारे लिए कम होती है। क्यों? कि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती थी कि उन्होंने मुर्दों में जान भर दी। अगर बाबा साहब नहीं होते तो इसलिए कभी भी जो भी है, जो हम कार्यक्रम करते, बाबा साहब का सपना था कि मेरा समाज कैसा आगे बढ़ेगा। उन्होंने बहुत ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब के बारे में ऐसा कहते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा वो शब्द, फिर आते आते मैं बताऊंगा। तो बाबा साहब के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा कहते कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, और रातों की कहानी सितारों ने लिखी, मगर आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, बैठा हूं, बोल रहा हूं, क्यों? कि मेरी कहानी मेरे बाबा साहब ने लिखी, इसलिए बाबा साहब का हमारे ऊपर बहुत बहुत ऐसा ने उपकार है। तो कभी भी बाबा साहब ने पहचान करा दी है, और ये पहचान हमें दूसरों तक पहुंचानी है, दूसरों को भी बाबा साहब की पहचान होनी चाहिए, और इसीलिए कार्यक्रम जो है ये चल रहा है, और ये पहचान बनाने का कार्यक्रम है कि बाबा साहब के पहचान, अगर बाबा साहब ने धम्म दिया तो धम्म को ही हम नहीं समझा आज तक, तो धम्म को क्यों नहीं समझे? जो धम्म को नहीं समझाया वो बाबा साहब को क्या समझ सकेंगे? और इसलिए धम्म अगर हम समझ जाते हैं तो निश्चित ही बाबा साहब के प्रति हमारे आदर, हमारा सबका, हमारी श्रद्धा जो है वो कम नहीं होगी फिर। तो इसलिए हमें बाबा साहब को याद अगर करना है तो धम्म के तरफ जाना चाहिए, और धम्म प्रचार, बाबा साहब ने कहा धम्म प्रचार और प्रसार करना, ये ही मानव सेवा है। ये बाबा साहब ने कहा कि धम्म प्रचार प्रसार, मेरी जय जयकार करना नहीं है, बाबा साहब कहते हैं मेरी जय जयकार करना नहीं, धम्म का प्रचार प्रसार करना, ये सही सच्ची मानव सेवा है। और धम्म प्रचार के बहुत सारे सोर्स है, प्रवचन के माध्यम से है, चर्चा के माध्यम से है, शिविरों के माध्यम से है, धम्म वर्ग के माध्यम से है, और उनमें से ये कार्यक्रम जो चल रहा है ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है, ये दिल्ली में चल रहा है, तो ये धम्म प्रचार का कार्य कर रहा है, यार बाबा साहब की पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है, जो भी आयोजक टीम है, ये आयोजक टीम के मन में जो है कि बाबा साहब को घर घर कैसा पहुंचाए, अर्थात धम्म कैसा पहुंचाए, और यही उनकी कोशिश है। तो धम्म प्रचार फिर ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में आज अगर दिल्ली में अगर ऑफलाइन कार्यक्रम रखते हैं तो दिल्ली के ही लोग आएंगे, खाली दिल्ली के लोग रहेंगे। मैं यहाँ रायपुर में अगर ऑफलाइन कार्यक्रम करूंगा तो रायपुर के लोग आएंगे, दिल्ली के लोग यहाँ तक नहीं आएंगे, मुंबई के लोग यहाँ तक नहीं, नागपुर के लोग यहाँ तक नहीं आएंगे, कई भारत के लोग एक जगह नहीं आते, लेकिन ऑनलाइन से ये एक मौका मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है, एक धम्म सीखने का अवसर है, जो कभी सीख नहीं सकता था वो बैठे बैठे लगते चलो तो क्या है, उस कार्यक्रम देखे, लिंक अगर उसने देखा तो उसको, अगर वो सुनता है तो उसको लगता है ये तो अच्छी बात है, तो जुड़ जाता है। तो ये भारत का आदमी यहाँ जुड़ रहा है, भारत का ही नहीं तो विदेश का भी जुड़ रहा है। कल देखे ना, आज कल मैंने कहा था कि वो जो विमल गाड़े और वो नूतन, इनका कितना अच्छा मिलन हुआ, कितने अच्छे उन लोग का संबंध हुआ। वैसे एक इसमें खनखने करके प्रेम राज खनखने,
ये रायपुर में आए थे कुछ कार्यक्रम के लिए, उनके मित्र के यहाँ, तो मित्र के यहाँ कार्यक्रम के लिए आए, तो वो उन्होंने मेरे को फोन किया और मेरे को बातचीत किया, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ कहे, और मेरे को मिलने के लिए घर तक आए। उन जिनसे कोई परिचित नहीं था, और वो परिचय नहीं होने के बाद खनखने साहब मेरे घर आकर मेरे से बहुत ही अच्छा लगा करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं भी उनको बुलाया घर में, और वो दो चार घंटा हमारे यहाँ रुके, लेकिन वो जाना था उनको, चले गए। लेकिन कितनी ये लगाव कितना है, ये मतलब मिलन कितना अच्छा है, कि ये अगर कार्यक्रम नहीं होता तो मैं कहाँ पहचान सकता था उनको। फिर यहाँ से वो भिलाई गए, और भिलाई में अभी इसमें अगर माधुरी बौद्ध अगर होगी, कल बता रही थी माधुरी बौद्ध, किसका नाम नहीं आ रहा बोले मुझे, तो वो मित्र वहां मिले थे बोलते कार्यक्रम में, तो माधुरी बौद्ध को वो प्रेमराज खनखने वहां जाकर वो वर्ग में गए, वहां उनकी तो आप वहां मिलते हैं दिल्ली में, आप जुड़ते हैं मैं जुड़ता हूँ, उनकी पहचान हो गई, वहां भी परिचय हो गया, आदान प्रदान होता, आनंद फानन एक दूसरे को जानना शुरू कर रहे थे। तो ये कार्यक्रम आज जो अभी जो सुशीला शेंडे है ये आज यहाँ तक पहुंच गए है, तो ये ऑनलाइन के कार्यक्रम के कारण पहुंच गए, उनको तो पता ही नहीं था त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, आज उनकी पहचान जो हुई है किसके कारण हुई है, तो ये ऑनलाइन कार्यक्रम के कारण सारा भारत ही नहीं तो बाहर विदेशों में इसकी जय जयकार हो रही है, इनके गुणगान हो रहे। तो ये कार्यक्रम हमने जारी अगर रखे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनका पुण्यांगन मैं करता हूँ कि वो बोधि प्रकाश जी और प्रज्ञा रश्मि जी समाज रहे, और उनके धम्म मित्र की टीम समाज रही है, उनका हमें बार बार पुण्यांगन करना चाहिए। और दूसरी बात, ये कार्यक्रम तो होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ आर्थिक की भी मदद होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर ये कार्यक्रम हम देखते हैं हमें लगता है कि ये तो चला रहे बोधि प्रकाश, लेकिन इसका कुछ ना कुछ वो भले ही नहीं बोलते होंगे, लेकिन इसका कुछ तो भी ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, जूम ऐप खरीदना पड़ता होगा, या क्या है बोलते हो जूम जूम का कार्यक्रम के लिए, और क्या वो वाईफाई वगैरह कहते हैं उसके लिए, तो हम घर में लगाते वाईफाई तो हमको भी पैसा लगता है, तो उनको भी पैसा लगता होगा। मैं यहाँ जो बैठा हूँ वाईफाई के कारण बैठा हूँ, मेरा वाईफाई अगर बंद होगा तो कार्यक्रम नहीं देख पाऊंगा मैं, और दे पाऊंगा, तो उनको भी तो पैसा लगता होगा ना, तो वो पैसा कहाँ से जाएगा। तो कम से कम हमें हम देखते हैं तो हमारे तरफ से कुछ भी थोड़ा भी 100 रुपया है 200 रुपया जो भी है अपने पास 500 रुपया जैसा जिसकी जैसी शक्ति है। और एक बात ध्यान में रखना है अपने को, जिसके पास पैसे की देने की ये नहीं है, जैसा हो सकता है तो नहीं दे सकते ऐसी कोई बात, लेकिन जिनको ऐसा लगता है कि हम दे सकते तो उनको, अगर हम उनको दे सकते हैं तो इसमें तो ये कार्यक्रम भी चलते रहेगा। अब वो भला ही नहीं बोलते होंगे बोधि प्रकाश हमको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें देना चाहिए पैसा, अगर भले हम देखे नहीं देखे लेकिन दूसरे लोग देखते हैं तो हमें अगर मदद कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मेरी अपील है सभी से कि अगर हम महीने में कुछ ना कुछ 2-4 हजार रुपए तक खर्चा आता होगा तो हम 100-100 रुपए भी देते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि उनके ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, वैसे ही वो बीमार है तो भी काम करते रहते हैं, उनकी उल्लास देखिए, उनका उत्साह देखिए, उनके अंदर की उमंग देखिए कि वो डटे है, तकलीफ थी कल बताया उन्होंने किशोर लाल जी ने आराम करने के लिए, इसके बावजूद भी वो आराम करने का छोड़ मतलब वो सुनते ही नहीं, हालांकि उनको सुनना चाहिए थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रचार प्रसार के लिए। तो हम अपने विषय पर आ जाते हैं, ये दो बातें अगर हम ध्यान रखते, प्रचार प्रसार के लिए ऑनलाइन शुरू रखना है, और उसके लिए हमें हमारी सहमति मिली है तो भी सहमति रहनी चाहिए हमारी, और नहीं रहती तो ऐसा भी लिख कर भेज सकते हैं आप, ऐसा कोई बंधन नहीं। और दूसरी बात, प्रचार के लिए हमें दान की आवश्यकता है।